एक नए सेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस 49,568 के सेकेंड बैच के चरित्र सत्यापन का, जो एक भाग लंबित रह गया है। यानी कि ए बे सभी कैंडिडेट जिनका अभी तक पुलिस वेरिफिकेशन तथा LIU का वेरिफिकेशन जो होना है वो बाकी रह गया है, उनके लेकर एक सूची जारी कर दी गई है। जिस पर मैं चाह रहा था कि सेशन ना बनाया जाए, परंतु मैक्सिमम नंबर ऑफ कमेंट्स आने के कारण मुझे मजबूरन ये सेशन बनाना भी पड़ रहा है और आपको बताना पड़ रहा है कि कितने कैंडिडेट अभी इसमें रह गए हैं जिनका सेकेंड बैच के हैं सत्यापन लंबित है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि JTC लिस्ट आपकी कब आएगी, इन सभी चीज़ों की जानकारी अब हम आपको देने वाले हैं। और ऐसे कैंडिडेट जिनका चरित्र सत्यापन या फिर मैं कह सकता हूँ पुलिस वेरिफिकेशन या LIU वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, तो अब उनको क्या करना होगा, इन सभी चीज़ों की जानकारी आज के इस सेशन में हम देने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं फटाफट से वो लिस्ट जिसमें कि आपको लंबित सत्यापन की जानकारी दी गई है। सर्वप्रथम मैं आपसे कह देना चाहूँगा कि अगर आप इस PDF को देखना चाहते हैं तो ये PDF हमारे जय स्टडी ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड कर दी गई है लगभग 1.5 घंटे पहले, तो आप वहाँ से इसे देख पाए होंगे। अगर आपने अभी तक नहीं भी देखा है तो अब आप यहाँ पे देख लीजिएगा। सर्वप्रथम मैं आपको बता देना चाहूँगा कि चीज़ों को समझने का जरूर प्रयास करें कि इसमें हमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, ताकि हम किसी भी प्रकार के कन्फ्यूजन में ना रहें। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यहाँ पर मुझे दिया गया है कि कुल सफल अभ्यर्थियों की चर्चा की गई है कि कितने अभ्यर्थी इसमें टोटल सफल हुए हैं, किस जिले में कितने अभ्यर्थी सफल हुए हैं। दूसरा हमें दिया गया है कि सफल अभ्यर्थियों से चरित्र सत्यापन जिनका पूर्ण हो चुका है उनकी जानकारी दी गई है। और तीसरा पॉइंट हमें कॉलम जो हमें बना के दिया गया है उसमें दिया गया है कि चरित्र सत्यापन हेतु लंबित जो बच्चे हैं उनकी जानकारी हमें यहाँ पे संबंधित दे दी गई है। मैं आपसे कहना चाहूँगा डेटा बिल्कुल एग्जैक्ट मैं आपसे नहीं कहूँगा कि चीज़ें एज वेल है, हो सकता है कि 11 तारीख का जो हमें प्रोग्राम दिया गया था उसमें थोड़े से 1-2 नंबर ऊपर नीचे हों, उससे कोई मैटर नहीं करता, आप टेंशन ना लीजिएगा। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ कि मेरठ ज़िले की, तो मेरठ ज़िले को आप देख पा रहे हैं 884 सफल अभ्यर्थी हुए थे जिनका मेडिकल क्वालिफाई हो गया था, और उसके बाद इनमें से चरित्र सत्यापन का जो प्रक्रिया कंप्लीट हुआ 588 एज वेल 296 कैंडिडेट का जो चरित्र सत्यापन वो अभी तक लंबित चल रहा है। एज वेल आगे की डिस्ट्रिक्ट वाइज ही आप यहाँ पे सभी को चेक कर सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में आप हमें अपने बारे में बता सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहूँगा कि सभी की सभी डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पे मेडिकल फिट कैंडिडेट की जानकारी के साथ साथ ये जानकारी भी दे दी गई है कि कितने अभ्यर्थियों का चरित्र सत्यापन पूर्ण हो चुका है और कितने अभ्यर्थियों का चरित्र सत्यापन अभी लंबित चल रहा है। तो यदि अगर आपका चरित्र सत्यापन अभी लंबित है और आप इस चीज़ को भली भांति जानते हैं, तो आपको क्या करना है कि भाई आपको अपने थाने से संपर्क करना है और वहाँ से पूछना है कि हमारी फाइल आई है या नहीं आई है। और यदि वहाँ से आपको कोई सूचना नहीं मिल पाती है तो आपको जाना है अपने SSP ऑफिस, वहाँ जाके संपर्क साधना है। अगर वहाँ से भी आपको कोई सटीक जानकारी नहीं मिलती है तो एक बार अपनी पुलिस लाइन जाके भी आप अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ताकि आपका चरित्र सत्यापन अगर लंबित है तो वो आपको कंप्लीट किया जा सके और आपका लंबित वाला जो है वो सत्यापित हो सके। ये जानकारी मैंने आपके साथ प्रोवाइड की है, सेशन को ज़्यादा लंबा खींचेंगे नहीं। लेकिन अंत में मैं आपसे एक चीज़ जरूर कहना चाहूँगा कि अगर आप प्रथम बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर दीजिएगा। लेकिन पॉइंट नंबर 2 हमारा रह गया है, उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। तो ये लिस्ट कहाँ मिलेगी, जय स्टडी ऑफिशियल चैनल पर मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अब मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि जो हमारी चर्चा यहाँ पे चल रही है कि भाई JTC लिस्ट कब तक आ जाएगी। तो एक चीज़ याद रखिएगा, JTC लिस्ट जो है वो 20 और 21 मई में आने की संभावनाएं बन रही हैं। लेकिन मैं आपसे एक चीज़ ज़रूर कंफर्म कर देना चाहूँगा, आप अपने JTC जहाँ पहुँचने की तैयारियां पूरी कर लीजिएगा, क्योंकि अब आपके पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। क्योंकि आज कुछ सेंटर ऐसे हैं जब फर्स्ट बैच के अभ्यर्थी जो ट्रेनिंग कर रहे हैं उनकी आउटडोर की जो परीक्षाएँ हैं वो कम्प्लीट हो गई हैं। इंडोर की परीक्षाएं पहले हो चुकी हैं, आउटडोर की आज हो गई हैं, कुछ की कल हो जाएंगी। तो इंडोर और आउटडोर की दोनों परीक्षाएं कंप्लीट हो जाने के बाद आपको पता है परिणाम आएगा, और उसके बाद उनकी पासिंग आउट परेड हो जाएगी 27 और 28 मई को। एज वेल डिस्ट्रिक्ट वाइज वैरी करता है, इसलिए अब आपके लिए किसी भी प्रकार से कहीं से भी कोई अड़चन आने वाली नहीं है। अपनी तैयारियाँ जारी रखिएगा और सेशन को अधिक से अधिक साथियों तक शेयर कर दीजिएगा। मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि अधिक से अधिक ग्रुप्स में इस चीज़ को पहुँचा दीजिएगा कि अगर किसी भाई बंद यार दोस्त दुश्मन का चरित्र सत्यापन अगर अभी लंबित है तो प्लीज़ उसे सत्यापित कराने का जरूर कष्ट करें, क्योंकि नहीं तो आपको JTC सेंटर पहुँचने पर थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। ऐसा नहीं है कि आपको वापस भेज दिया जाएगा, परंतु ये ज़रूर है कि आपको अपनी फाइल को सत्यापित कंप्लीट करा के ही देना पड़ेगा।
वहाँ आपको इसकी जानकारी जरूर दी जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। जेटीसी लिस्ट की न्यूज जैसे ही मिलेगी सर्वप्रथम हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जय स्टडी ऑफिसर टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, हर एक अपडेट समय रहते मिल सके। ये सेशन बनाने का मूड नहीं था क्योंकि आप लोगों की कुछ कमेंट नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही रहती हैं, इसलिए मैंने सोचा चलो फिर भी कोई नहीं। मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट बार बार यही प्रश्न पूछ रहे हैं, सर ऐसा कुछ आया है, ऐसा कुछ आया है। तो मैंने कहा भाई आया है, मैं उस पर सेशन बना देता हूँ, आप टेंशन ना लें, सबकी प्रॉब्लम एक बार में सॉल्व कर लेते हैं। उम्मीद है कि आपके कन्फ्यूजन दूर हो गए होंगे। नई अपडेट के साथ नए सेशन में फिर से जुड़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। जय हिंद, जय भारत।